देखो जी, लड़की मुझे पसंद है। मैं लड़की से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तू मुझे ये बता, तू कॉलेज में पढ़ने जाती है ना? जी। ठीक है, मुझे ये बता, कॉलेज में तेरा किसी से लफड़ा वफड़ा तो नहीं है ना? मैं समझे नहीं, आप क्या पूछना चाहती हैं? अरे मेरे कहने का मतलब, तेरा कॉलेज में किसी से इल्लू विल्लू का चक्कर चलता है क्या? अरे भगवान, तू ये कैसे प्रश्न पूछ रही है? आप चुप रहो जी, मेरे लड़के की जिंदगी का सवाल है, सवाल तो सारे पूछने ही पड़ेंगे। अच्छा, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे। कॉलेज में किसी लड़के के साथ लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं जी। अच्छा, गांव में तेरा किसी के साथ इल्लू विल्लू का चक्कर तो नहीं है ना? बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी लड़की ऐसी नहीं है। ऐसा है जी, आजकल की लड़कियों का कुछ पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। कब माँ बाप की आंखों में धूल झोंक दे, और पूछने में कोई बुराई थोड़ी है। मेरे लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का। हाँ तो मैंने आपसे पूछा, गांव में कोई इल्लू विल्लू का चक्कर तो नहीं है आपका? नहीं जी। अच्छा तो समझी जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब आप हमें ये बताओ, दहेज में क्या क्या दे रहे हो आप? एक मिनट रुकिए, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ, शादी से पहले जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि शादी के बाद तो सिर्फ मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। अब बोल जी। मैं आपके लड़के से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछ, मना किसने किया है? जी, आपका पुलिस थाने में कोई केस तो नहीं है ना? ए छोरी चुप, तुझे मेरा लड़का चोर या डकैत दिखाई देता है क्या? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं जी? मेरा भी तो पूरी जिंदगी का सवाल है, मेरा भी तो पूछने का अधिकार है ना? तो आप बताइए, आपका थाने में कोई केस तो नहीं है ना? नहीं जी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? मेरा कहने का मतलब है कि आपका किसी लड़की से प्यार व्यार का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? ए छोरी, तू कुछ ज्यादा ही पूछ रही है, हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग। और रही बात मेरे लड़के की, तो सुन, मेरा लड़का दूध का धोया है, दूध का, उसमें कोई खोट नहीं है, समझी? और तुझे तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि जब बड़े बूढ़े बैठे हों तो उनके सामने ऐसी बातें नहीं करते, हम इज्जतदार लोग हैं, समझी? और सुन, हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले, लड़की वालों को हमेशा सर झुका के बात करनी चाहिए। हाँ चलो जी, हमें नहीं करना ये रिश्ता। एक मिनट रुको माता जी, आप लोग तो इज्जतदार लोग हैं ना, और हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप मेरे बाप और भाई के सामने मुझसे गंदे गंदे सवाल पूछ रहे थे, तब तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बाप और भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी। वो लड़की वाले है ना, इसलिए चुप रहे। लड़कियों की इज्जत करना सीखो। ए लड़की, अपनी औकात में रह, तू औकात में, तू एक लड़की जात है, लड़की जात। माँ जी, लड़कियों को पैरों की जूती समझना बंद कीजिए, और अब आप यहाँ से चले जाइए, और हाँ अपने इस बंदर को लेके भी चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप लोग हमारे मेहमान हो। और एक बात और सुन लीजिए मेरी,
आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है, और लड़कियों की इज्जत करना सीखे, समझे? वाह बेटी वाह, बेटी हो तो ऐसी।